स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के इमरान खान को सियासी मामलात पर मशवरे। चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म को अपोजिशन के जाल से दूर रहने का मशवरा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अपोजिशन के जाल में फंसने के बजाय हुकूमत ठंडे दिल से फैसले करे। अपोजिशन की हमेशा यही हिकमत अमली होती है कि हर मसले पर हुकूमत को जिज करे। उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया, हुकूमत भी बड़े फैसले करने से पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करे। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बड़े मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं, क्या वजह है, अचानक क्यों ये मशवरे दिए जा रहे हैं वज़ीर आज़म को? आज बिल्कुल स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही से आज निजी इंश्योरेंस कंपनी के एक वफ्द ने मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने सियासी मामलात पर खुलकर बात की और स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपने इत्तेहादी हुक्मरान जमात को जो है वो सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अहम मशवरे दिए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि अपोजिशन के जाल में फंसने की बजाय हुकूमत ठंडे दिलो दिमाग से फैसले करें और हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन लीडर जैसे बयान से हुकूमत की अपनी सियासी पोजिशन कमजोर होती है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि अपोजिशन हिकमत अमली हमेशा यही होती है कि हुकूमत को मुश्किल करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दे, लेकिन अपोजिशन को जो है कि इस हिकमत अमली का जवाब हुकूमत को जो है वो ठंडे दिलो दिमाग से देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ देकर इसको अपोजिशन के पंजों से छुड़ाया और अपोजिशन जैसे बयान से इंतजामी मशीनरी का मोरल भी डाउन होता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ यही हिकमत अमली होती है कि हर मसले पर हुकूमत को जिज करे। हुकूमत की सलामती और भलाई इसी में है कि वो अपोजिशन के जाल में ना आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है जिसमें अभी 2.25 साल बाकी हैं और अपोजिशन अगर जमहूरियत पर यकीन रखती है तो उसको चाहिए कि हुकूमत के इस अवामी मैंडेट का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन महज इंतजार चलाने पर मबनी अपनी मनफी सियासत तरक कर दे। इत्तेहादी मामलात पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया है और हुकूमत को भी चाहिए कि बड़े फैसले करने से पहले। आपने अपडेट किया।